इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है, बिना अस्तर का ब्लाउज बना रही हूँ। और अब आपको साइज बता देती हूँ। ब्लाउज की लंबाई 16 इंच ली है, लेकिन 1 इंच में इसमें नीचे की तरफ फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच है, तो ये हमारा 1 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच शोल्डर पर स्टिचिंग में चला जाएगा। और देखिए जो साइज है इसका, ये हमारा 32 साइज है। जब तैयार करेंगे तो फोर्थ भाग आएगा 8 इंच, और 2 इंच का इसमें मार्जिन रहेगा। इसके मुड्डे मैंने 5.5 इंच लिए हैं, और इसका शोल्डर 6 इंच लिया है। ये नेक थोड़ा ब्रॉड है और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बनने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए अभी हम डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। तो शोल्डर से 3.5 इंच ले लेंगे। 3.5 इंच से जितना आप डीप पहनते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। जो मैं ले रही हूँ आप उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जैसे 11 इंच लिया है, एक बॉक्स बना लिया है। अभी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए शोल्डर से सेम रहेगा, और इसको इस तरीके से हम अंदर ही अंदर मार्किंग करेंगे, बाहर नहीं लिया है हमने। और इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। सेम डॉट पे इसको कट कर लें। अभी जो ये ड्राफ्ट है, इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास और नेक पट्टी कट करेंगे। देखिए मैंने कैनवास ले लिया है, और ड्राफ्ट का इस तरह की इस रख लिया है, और डबल फोल्ड कर लिया है कैनवास को। ये बंद हिस्सा है, अंदर का सेम रहेगा, बाहर 1 इंच ले लेंगे चौड़ाई। और जो कपड़ा कट करेंगे उसकी चौड़ाई 1.5 इंच ले लें। देखिए कैनवास और पट्टी दोनों कट कर लेंगे। देखिए नीचे पट्टी को रख लिया, ऊपर कैनवास को जो आधा इंच लिया है, इसको इस तरीके से पूरे राउंड में स्टिच डाल देंगे, तो ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्लाउज की नेक में फिनिशिंग देंगे। जो डिज़ाइन देने वाले हैं उसके बारे में बता दें। डिज़ाइन देने के लिए एक पट्टी मैंने कट कर ली है, साइज़ बता देती हूँ। चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है, और लंबाई इसकी 21 इंच ली है। तो 2 पट्टी कट कर ली है मैंने। तो देखिए इस तरीके से हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे, और एक किनारे पर यहाँ पर थोड़ी सी शेप देने वाले हैं, और पूरी पट्टी स्ट्रेट रहेगी। तो जो शेप देने वाले हैं, ये दोनों पट्टियों को हम एक साथ रख लेते हैं, एक साथ ही हमारी शेप आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से जो हमारा खुला हिस्सा है, यहाँ से 1 इंच क्रॉस में मार्किंग करके इसको क्रॉस में कट कर दें। तो देखिए कट होने के बाद इस तरीके से इसकी शेप दिखेगी। अभी क्या करना है, यहाँ से लेके हम पूरा इसको स्टिच कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे। इसी तरीके से दोनों पट्टी तैयार कर लेंगे। और डिज़ाइन देने वाले उसके बारे में बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके के मैंने ये 2 पीस कट कर लिए। इसका साइज़ बता देती हूँ। 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और लंबाई 6.5 इंच ली है। तो ये 2 पीस हैं, तो दोनों पीसों को हम इस तरीके से पहले ये सीधा रख लिया है। इसके ऊपर ये पार्ट सीधा रहेगा, और ऊपर की तरफ उल्टा रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर पूरा चारों तरफ से पहले स्टिच कर लेते हैं, और इसके बाद फिर इसको बीच में कट देके इसको पलट देंगे, और उसके बाद डिजाइन। देखिए जैसे मैंने बताया था, ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है, और अभी हम ब्लाउज में नेक में अटैच करते हैं। तो देखिए यहाँ से शोल्डर से इस तरीके से लेते पूरे नेक में अटैच कर देंगे। तो देखिए ये नेक हमारा स्टिच हो चुका है, और इसको इस तरीके से पलट देंगे, और इसको अभी आयरन कर देंगे, क्योंकि सिलाई डालेंगे तो ज़्यादा सिलाई हो जाएगी। जब हम इसमें डिज़ाइन देंगे उसी समय इसमें सिलाई डाल देंगे। देखिए जो लंबी पट्टी ली थी, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर किनारे पर सिलाई डाल दूँगी। मैंने सिलाई डाल दी किनारे पर, और जो हमने ये पीस लिए थे 2, इसको भी चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। तो पहले ये लंबी वाली पट्टी को पलट देते हैं, और उसके बाद इस पार्ट को पलटें। देखिए ये पट्टी पलट चुकी है, और इसको भी पलट देते हैं। तो इसमें बीच में से कट कर देंगे। तो पहले इस तरीके से खोल दें, और एक पार्ट में कट मार दें। तो देखिए ये भी पलट चुका है। अभी इन सब पीसों को आयरन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको आयरन कर दिया है, यहाँ पर भी आयरन कर दी है, और देखिए जो पट्टी कट की थी, इन पर पट्टी जो पलटी थी इसको भी आयरन कर दिया है। अभी हम इसमें डिज़ाइन देते हैं। तो देखिए इसको सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, सेम कलर का धागा ले लेंगे, और बड़ी बड़ी सिलाई डालना स्टार्ट करेंगे, और इस धागे को यहाँ पर इस तरीके से बांध देंगे। बांधने के बाद इसको यहीं पर लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से यह डिज़ाइन तैयार हो गई है। अभी हम इन पट्टियों को पहले ब्लाउज में अटैच कर लेते हैं, फिर इसको डिजाइन देंगे। देखिए यहाँ पर नेक से पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देखिए 3 इंच पर इस पट्टी को हम यहाँ पर अटैच करना शुरू करेंगे। 3 इंच ही दूसरी साइड में भी मार्किंग कर लेंगे, और इस पट्टी को हम यहाँ पर 3 इंच से इस तरीके से स्टिच कर देंगे। नीचे की 3 इंच पे हम ये बेल्ट जो है अटैच करेंगे, और इसी तरीके से दूसरे साइड में।
तो देखिए दोनों साइडों में मैंने स्टिच कर दी है। अभी जो हमने ये डिज़ाइन ली है, पहले इसको यहाँ पे इस तरीके से बांध देते हैं और ये पट्टी इसी तरीके से रहनी, खुली हुई रहनी चाहिए, ज़्यादा लूज भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो, इस तरीके से। और जो ये नॉट है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे इसको बांध देंगे, इसको खोल के बांधेंगे, जो ये डिज़ाइन है इस तरीके से दिखेगी, और यहाँ से इस तरीके से ऊपर की। देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच डाल दिया जैसे बताया था, यहाँ पे एक सिलाई डाल देंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके की ये नॉट हमारी दिखेगी। यहाँ पे बटन वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैंने बिना लेस का बनाया है, यहाँ पे लेस यूज़ नहीं की है, आप चाहें तो इसमें लेस लगा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ब्रॉड भी है और ये सुंदर सी डिज़ाइन भी है। और यहाँ पर आप बाद में तुरपाई कर लें, जैसे कि मैंने बिना अस्तर का बनाया है, अगर आप अस्तर वाला बनाते हैं तो सेम मेथड रहेगा। तो ये नॉट की वजह से कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।